सीरीज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की, और करंट अफेयर वो भी कौन सा स्टैटिक। इस करंट का फ़ायदा क्या है कि आपको हर पेपर में हेल्प मिलेगी, चाहे वो SSC का पेपर दे रहे हो, चाहे UPSC का पेपर दे रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश PCS का पेपर दे रहे हो। जितना भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैंने सारे छाट के एक साथ लगा दिए हैं, ठीक है। बस आप पढ़ते चले जाओ और करते चले जाओ। मैं हर 8 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा तो जड़ी एक वरना मतलब 8 डेज़ के अंदर 1 मंथ ख़त्म हो जाएगा, तो 44 डेज़ करीब के अंदर आपके 6-7 महीने ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं जल्दी से पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द बिट ऑफ द स्पीड ऑफ द टारगेट टू बिकम ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2014-25, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन सेंक्शन बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पाइपलाइन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। कह रहे कि गवर्नमेंट को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी चाहिए लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम प्रोजेक्ट के अंदर सरकार ने कितना पैसा सेंक्शन करा है 5 साल के अंदर, वो करा है 102 लाख करोड़, 102 लाख करोड़, याद कर लो आंसर, ठीक है स्टैटिक क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट इज काइंड ई सर्टिफिकेट पोर्टल टू अनेबल रेसिडेंट गेट द इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट सच एज कास्ट, रेसिडेंट, इनकम एटसेट्रा विदाउट नीड टू विजिट रिस्पेक्टिवली ऑफिस। बिना ऑफिस जाए कास्ट बनवाओ, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाओ, रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाओ, इनकम सर्टिफिकेट बनाओ, ऑनलाइन कोई भी काम करो ई सर्टिफिकेट पोर्टल के द्वारा। ये किस राज्य ने स्टार्ट करी है, वो करी उड़ीसा ने, याद कर लो उड़ीसा ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वो स्टेट का नाम बताओ सबसे पहला स्टेट जिसने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एक नया रेजोल्यूशन पास किया था, वो है पहला आंसर केरला, याद कर लो इंपॉर्टेंट है। उमारो सिसोको इम्बोला ये किसके प्रेजिडेंट बने हैं अभी, वो बने हैं जुनानिया बिजायू। देखो ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे उत्तर प्रदेश PCS एग्जाम के अंदर, इस तरह के क्वेश्चन पेपर वहाँ पर आते हैं। तो 4 दिए होंगे, 4 इधर दिए होंगे, तो इनको मैच करना होगा, एक भी आपको याद होगा आंसर मिल जाएगा आपको आंसर। विच स्टेट हैड लॉन्च अटल किसान मजदूर कैंटीन डेट एम टू प्रोवाइड चीप मील टू फार्मर्स एंड लेबर्स एट द कॉस्ट ऑफ 10 रुपये, 10 रुपये की थाली में खाना, वो किस राज्य ने स्टार्ट करा, उसका नाम है अटल किसान मजदूर कैंटीन, नाम से मालूम पड़ा लेबर और फार्मर्स के लिए, ये तो ये करिए हरियाणा ने, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि ICC ने ये बता दिया है कि टेस्ट मैच अभी 5 दिन के होते हैं, अब 4 दिन के होंगे, ये किस साल से स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2023 से, ठीक चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है द कॉन्ट्रोवर्सी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो 12 दिसंबर 2009 से लागू हुआ है, तो याद कर लो कि ये लागू कब हुआ है, ये लागू हुआ है 12 दिसंबर 2009 से। ये किस एक्ट के से, ये कौन सा एक्ट है, ये एक्ट है सिटीजन एक्ट 1955 को अमेंडमेंट करा है, मतलब सिटीजन एक्ट जो है हमारा 1955 के एक्ट को इन्होंने क्या करा है, अमेंड करा है। अच्छा ये कब से स्टार्ट हुआ है, ये जल्द स्टार्ट हुआ है 12 दिसंबर 2019 को। ऐसे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश PCS के अंदर बहुत आते हैं, बता दिए मैंने आपको। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द मोबाइल ऐप पोती टू इनेबल सिटीजन्स इन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च करा गया, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, नाम है पोती, वो किसने करा है, उड़ीसा ने किया है, ठीक है। नेम द मोबाइल ऐप लॉन्च बाय द RBI फॉर विजिबल इम्पार्टेड पर्सन टू हेल्प आइडेंटिफाई द डेमिनेशन ऑफ द इंडियन बैंक नोट। नोट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो इम्पेयर्ड पर्सनस होते हैं, एक RBI ने एक ऐप लॉन्च करा, उसका नाम है मनी, क्या नाम है उसका, मनी। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ सुकायना समृद्धि अकाउंट स्कीम इन 4th quarter, जनवरी से लेकर मार्च तक के बीच के अंदर सुकाया समृद्धि स्कीम की इंटरेस्ट रेट कितना है, 8.4%, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी जो हमारा यहाँ पर प्रगति मैदान को एक नया नाम दे दिया है, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, याद कर लो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, द UP स्टेट रोड कॉरपोरेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च डेडिकेटेड वुमेन हेल्पलाइन। उत्तर प्रदेश की परिवहन सेवा ने वुमेन्स के लिए एक नई हेल्पलाइन स्टार्ट करी, उसका नाम क्या है, दामिनी, क्या नाम है उसका, दामिनी। अभी 107 एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पर हुआ है, बेंगलुरु के अंदर, कहाँ पर हुआ है, बेंगलुरु के अंदर। द क्वेश्चन नंबर 14 है, द न्यूली लॉन्च पोलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट बाय द ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नया ऐप निकाला है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन जो है उसका ट्रैक मैनेजमेंट कर सकता है। ये ऐप ये लॉन्च होने वाला है, ये जनवरी 2020 से लागू हो गया है, ठीक है। विच कंट्री होस्ट 36 इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस, किस कंट्री ने 36 वा इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस होस्ट करा है, वो करा बच्चों इंडिया ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
विच ऑफ इंडियन कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ बैन द यूज ऑफ द सनस्क्रीन कंटेनिंग हार्मफुल केमिकल लाइफ ऑक्सोबेंजीन एंड ऑक्सोक्सैक्टिन टू डिस्ट्रॉय द कोरल लीफ एंड अदर सी लाइफ। क्या होता था कि भाई जो जो बीच पर आके लोग जो सनस्क्रीन यूज़ करते थे, जिसकी वजह से वहाँ का जो कोरल लीफ है या सी लाइफ को नुकसान पहुँचा था, तो उसको बैन कर दिया गया। किस कंट्री ने? नाम है उसका पेलू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। जनवरी 2, 2002 को इंडिया सेलिब्रेट करने वाला गुरु गोविंद सिंह की एनिवर्सरी कौन सी? 353, नॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सुनीता लखारी किस स्टेट किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये है हॉकी से। किससे हैं बच्चों? हॉकी से। आगे बढ़ जाते हैं। द ई ग्रेजुएट पोर्टल फर्स्ट काइंड ऑफ द इंडिया पब्लिश द ग्रेजुएट नोट्स ऑल डिपार्टमेंट हैज साइन सिंगल पेट्रोल। ये तो क्वेश्चन वही है पहले वाला, उड़ाम और उसका उड़ीसा। चाहिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इंडियन रेलवे हैज लॉन्च द हेल्पलाइन नंबर डेट विल सरप्राइज द ऑल एग्जिस्टिंग हेल्पलाइन नंबर। इंडिया रेलवे ने सारी हेल्पलाइन नंबर के एक हेल्पलाइन नंबर निकाल दिया सर्विस के लिए। बच्चों याद कर लो, 139 है, 100% क्वेश्चन मिलेगा उत्तर प्रदेश पीसीएस के अंदर। 139 नंबर है। आफ्टर द स्टेटस ऑफ द यूनिटी सेकेंड टॉलेस्ट स्टेट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल किस स्टेट के अंदर है? ये अहमदाबाद के अंदर है, कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ जाओ। नेम ऑफ द अभी इस बार का मैन जो सबसे अच्छा खिलाड़ी अवार्ड किसे मिला है? वो मिला है हमारे रोनाल्डो को। चलिए आगे बढ़ जाओ, नॉट इम्पोर्टेंट। 7th वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही है? ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। 7वीं वुमेन नेशनल आइस हॉकी वुमेनशिप स्टार्ट हो रही है लेह के अंदर, ठीक है। 23 क्वेश्चन, बहुत वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ईयर हैज़ बीन डेजिग्नेटेड बाय WHO टू ऑब्जर्व एज द ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ? किस ईयर को WHO ने बोला है ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ 2020 को? ठीक है, वो लग भी रहा है, आज से कोरोना चल रहा है। विच स्टेट हैज़ अ लॉन्च द साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव टू सेफ गार्ड वुमेन्स एंड चाइल्ड फॉर द साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़? साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से बचने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट कराया, नाम है साइबर सेफ वुमेन्स। ये किस राज्य ने स्टार्ट कराया? ये करा महाराष्ट्र ने। NEST नेस्ट इज़ अ न्यू नोडल डिवीज़न सेटअप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द इशू द न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। नई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को डील करने के लिए किस मंत्रालय ने नेस्ट निकाला है, डिवीज़न नोडल बनाया है, नोडल डिवीज़न अथॉरिटी बनाई है? नाम है उसका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन हैज़ रिसेंटली सेटअप फर्स्ट स्किल प्रोसेसिंग प्लांट इन विच स्टेट? गुजरात। ऐसे काम गुजरात में बहुत होते हैं खादी विलेज वाले, तो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने पहला प्रोसेसिंग प्लांट बना दिया गुजरात के अंदर, याद कर लो। नेम द इंडियन माउंटेन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेम द इंडियन माउंटेनर हु हैज़ रिसेंटली अचीव द फीट ऑफ द बिकम फर्स्ट जंगेस्ट ट्राइबल वुमेन इन द वर्ल्ड सेट द फूट ऑन द 6th टॉलेस्ट माउंटेन अक्रॉस द 6 कॉन्टिनेंटल। 6 कॉन्टिनेंटल के अंदर 6 बड़े जितने भी पहाड़ हैं उन पर चढ़ने वाली इंडिया की पहली शेड्यूल्ड महिला ट्राइब महिला कौन है? नाम है इसका मालावते पूर्णा, ठीक है जी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मैं कल आपको दोबारा नए नए क्वेश्चन साथ मिलूंगा, आप इनको देखते चले जाओ, अपना करंट अफेयर कंप्लीट कर लो। मेरी तरफ से गारंटेड है, इसके बिना आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।